मंगी दे बाकी नाल परिवार आ, तीन बच्चे ने सिस्टर है, पिछे ओदी घर दी खड़ी है जी। ठीक है जी। सो आ घर दे हालात ने जी, इन्हां दे देख लो तुसी, आ कमरा इन्हां दा बनया होया छपरां दा, स्ट्रक्चर दे उपर जिहड़ा एक अध मरिया इंसान पिया, मांगे ने इहदा नाम, सारी गल गई मच गई, हड्डियां निकल गईयां विच्चों, इत्थे साडे पिंड सुपनिया दे घर दे बाहर सुट के चला गया। साइड ते इहदे एडे एडे वड्डे जख्म सी, आ बाप आ साहब दा, आ बेटा, आ बेटी आ निक्की जी, आ घर वाली खड़ी आ, आ भैण खड़ी आ। पहला इहदे तीन चार मैंबर, जीजा आया सी नाल, ताए दा मुंडा आया सी चार, उह मुड़ गए वापस। सारा परिवार बिहार तों अपने पुत नूं, अपने परिवारक मैंबर नूं लैण लई, देखण लई इत्थे पहुंचे सी। जब उन्हें इस हालत देखा, घरवाली दिया, भैन दिया, बाप दिया, भुब्बा ही निकल गया। बाप बेचारा हाथ जोड़ी खड़ा, अज भी इंसाफ मंग रहा। जिस दिन मिलया सी उस दिन ही MLR कटाई सी, थाने पुलिस नूं सद के पूरी तफ्तीश कराई सी, जानकारी दित्ती सी, CCTV फुटेज तो पता लग्या सी भी इहनूं जिहड़ी गड्डी दे विच अल्टो गड्डी सुट के गए ने बंदे, गड्डी का नंबर भी पुलिस को प्रोवाइड कराता। वीडियो जो शेयर की, पिंड के लोगों ने सानू फोन करके दसिया भी ये साढ़े पिंड दे विच सुखा सिंह दे घरे काम करता, पिंड अमृतसर जिला वा भी, उत्थे तो 7-8 साल हो गए थे, कुट कुट के काम करवाउंदा सी, गोहा सटाउंदा सी, पट्ठे पवाउंदा सी, बहुत मारदा कुटदा सी, इह सीधा रब का भगत सी बंदा। अपने देश तो बिहार तो यह पंजाब दे विच अपने बच्चों के चंगे भविख लई आया सी, पर 8 साल ये बंदा उहदे घरे गुलाम बना के रख्या गया सुखा सिंह दे घरे। ये सारी इनफॉर्मेशन असीं पुलिस नूं भी देती, मुल्लापुर दाखे SHO साहब नूं भी देती, पर कुछ नहीं होया। वीर दा किडनैपिंग दा परचा बनता सी वैसे तां, भी जदों इह बंदा बिहार तो आया सी, उस बंदे ने आपदे घरे किडनैप करके रख्या, उह तों कम कराया, जदों उहदे करंट लग गया ट्रांसफार्मर ते रोज चाड़ दिंदा सी, उपरों डिग पिया, रीढ़ दी हड्डी टुट गई, बांह इक बड्डी गई, दूजी बांह गल गई, सारी मच गई। उहदा इलाज कराउण दी बजाए इत्थे बाहर सुट के चलिया गया 100 किलोमीटर दूर। फिर पुलिस कहिंदी सानूं पता नहीं लग रिहा, पुलिस दा सारा कुछ, पुलिस नूं असीं मूहरे रखता सारा भी आह बंदे दा नाम आ, सानूं लोकां ने फोन करके दस्या भी बंदे दे घरे काम करदा, आह पिंड च काम करदा, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर इहदा परिवार भी बिहार तो लभ गया सोशल मीडिया राहीं, इह भी आ गए बेचारे, इह भी थाने भेजे, इन्हां दे भी बयान दर्ज कराते, पर कुछ नहीं होया। अज मंग इन अपने घर चलिया, अज उहदे गरीब माँ बाप, उहदी भैण, उहदे रिश्तेदार इहनूं लै के वापस अपने पिंड जा रहे ने। उह कहिंदे असीं इत्थे रहि नहीं सकदे होर, असीं उत्थे सेवा कर लांगे इहदी। मंग इहनूं असीं भेजणा नहीं चाहुंदे सी हजे, असीं चाहुंदे सीगे इहदे जख्म भी इहदी हजे इत्थे जिहड़ी हालत आ उहनूं इलाज दी लोड़ आ, पर उहदे पिता जी, उहदे बच्चे, उहदी वाइफ कहिंदे वी असीं घरे लै के जाणा चाहुंदे आ, क्योंकि देख उहनां नूं वी रिहा वी है की होया पिया इहनूं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के 6 मणके चकना चूर हो चुके ने। बस उन्हां दी पिता जी के हाथ जोड़े हुए अपने आप दे विच ही एक बयान करते हैं, गरीब की मजबूरी कोई नहीं पुछदा, इत्थे वोट तंत्र आ, इत्थे लोकतंत्र नहीं हैगा। धन्नवाद करते हैं असी नोने वीर हुणां दा, एंबूलेंस दी सेवा करते हैं वीर हुणे, अगे भी जो सानूं इत्थे लोकल नेड़े तेड़े एंबूलेंस की लोड़ हुंदी है फ्री सेवा करते हैं वीर। अज बिहार 1500 किलोमीटर दूर इहनूं वीर नूं इहदे पिंड छड्ड के आउणा, सारसा जिला बिहार दे विच, उत्थे 3100 किलोमीटर आउण जाण दा सफर आ। ते इक धन्नवाद करदे आं असीं भैण दा, साडी टीम दी मैंबर आ, साडी रजिस्टर्ड सेवादार आ भैण UK तों, उहनां नाम तां नहीं असीं लै रहे। उहने 50,000 रुपए की सेवा मांगन दे परिवार वास्ते भेजी सी साडे कोले, ते असीं कहा सी जदों भैणे वीरा घरे जाऊगा असीं उदों इहदे आप डैडी नूं जां इहदे फैमिली नूं दे दांगे। ये 50,000 रुपया भैने आपका भी, बच्चों के लिए, पिता जी परिवार के लिए, सबके लिए, इसके सेवा संभाल करे दवाल दे लिए, हाँ बस इसके लिए पैसा है, इसका दवाई दारू और बच्चों की परवरिश के लिए, ठीक है जी। जितना इसका सामान है, 3 महीने का दवाई दारू, डाइपर और पट्टियों का सामान, कपड़ा, राशन सब दे रहे हैं, हमने गाड़ी में ऊपर लोड कर दिया है, ठीक है बाबा। और गाड़ी का जाने आने का 37,000 रुपया है, करीब 40,000 रुपया कम से कम,
आपका रास्ते में खाना दाना भी ये भाई खिला देंगे जो जाएंगे आपके साथ जी। तो वो हम इनको दे रहे हैं। तो आप बस इतनी विनती है हमारी, हमने बहुत कोशिश किया पुलिस बहुत, को बहुत पर किसी ने हमारी सुनाई नहीं की, पुलिस ने अफसरों ने किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमारा पुलिस में पहुंच नहीं है, हमें कोई पुलिस अफसर नहीं जानते, बहुत बड़े बड़े कोई नहीं आया। बहुत कुछ के लिए हम जो कर सकते थे आप बहुत कुछ के लिए हमरा लिए बहुत भगवान चाहिए हमरा लिए। पर हम तुम्हारे बेटा को अपने पांव पे खड़े नहीं कर पाए और इसको इंसाफ भी नहीं दवा पाए। भगवान चाहिए हराल बेटा यहाँ ऊपर कर दे। एक सरदार सिंह ने भाई साहब वो जमुना नगर से हैं, जमुना नगर हरियाणा से, उनका भी हम आपको नंबर देंगे, उनको हम आपका नंबर दे देंगे। वो हर महीने इसको कुछ सेवा भेजा करेंगे वहाँ पे, दो चार हजार पांच हजार रुपया बोलते थे, हम हर महीना दे दिया करेंगे ताकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता रहे वहाँ पे। जब तक इसका पूरा ठीक नहीं हो जाता तब तक वो देते रहेंगे पैसा। आपको हम उनका नंबर लिखवा देते हैं, उन्होंने हमें फोन किया था तो हमने उनको बताया था जब ये घर जाएंगे तब आप ये सेवा वहाँ पे करना, जहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, इधर हम लोग कर रहे हैं सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही वो बहन ने जो 50,000 रुपया भेजा था वो भी हमने आपको पकड़ा दिया है। जी। मांगे जी एक 5,000 रुपये की सेवा वो बीरे होनी की ना सी उन्होंने अश्विनी कुमार वीर जी होनी लुधियाने, तो अभी आपको मिल गया ना वो 5,000 रुपये। इतने अश्विनी कुमार जी आए हुए थे वीर जी, एक उन्होंने देखा भी असं इन्हों भेज रहे हैं घरे, वो अपनी जेब के 5,000 रुपये की सेवा भाई नूं दे के गए। यानी कि पैसे तो हुण इत्थे कागज आ मैटर नहीं करते, मैटर करता सी इस गरीब का साथ देना, इनू इंसाफ मिलना, इहदी धर्म पत्नी खड़ी है, भैन खड़ी है, निके निके बच्चे खड़े आ, ते खुद मांगन अज बे इंसाफी की इस मूर्त नूं वापस बिहार लैके चले ने। इहदे नाल बे इंसाफी की गई है। इत्थे पंजाब दे विच सुखा सिंह सरदार जी की जमीन जायदाद आ काला झनीर पिंड अमृतसर जिले दे विच, उस बंदे ने इस गरीब परदेसी दे नाल बेइंसाफी कीती आ। उहदे घरे इन्ने साले काम करदा सी, उहदे घरे हुंदिआं इहदा एक्सीडेंट हो गया, लोक दसदे आ जदे उपरों डिग्गिआ शरीर दे विचों अग निकल गई आ, बांह सारी मच गई आ, बांह मच के लग हो गई, ते उहने मरिआ होइआ समझ के इहदे पल्ली पाती वी तां मर गिआ, ते शमशान घाट च लकड़ां सुट्टीआं सीगीआं, पर वो तो यह साहां की इहदी जदों आवाज़ आई ये हिलिया तो लोगों ने देखा भी तो ज्यौंदा वा, नहीं तो उन्हें शायद ज्यौंदा ही फूक देना सी। फिर उस तो बाद लोगों ने कहने ते हस्पताल लै गया चक के, श्री अमृतसर साहब सिविल हस्पताल लै गया, उन्होंने जवाब देता भी पी जी आई लै जाओ, पी जी आई ले जाने की बजाय बल्ला गुरु रामदास महाराज जी नाँ ते हॉस्पिटल बनया उत्थे लै गया, उत्थे 6-7 दिन इहदा रखिया, पट्टियां पुट्टियां कराईआं, उन्होंने भी कहा पी जी आई लै जाए बच जूगा, भी इहदी ट्रीटमेंट हो जूगा, इहदा ऑपरेशन होण वाला रीढ़ की हड्डी का, इहदी बचत होजू, चलता फिरता होजू। पर उस लालची किस्म के घटिया बंदे ने इस बच्चे का इस वीर का इलाज नहीं कराया, वो तो चाहता सी ये मर जाए, पर इन्हें आ सारा कुछ करना सी, तुहाडे तक इह सुनेहा पहुँचना सी। ये पंजाब पुलिस ने जो साडे नाल कीता वो मान लो इस बंदे नाल कीता, वो सारा चेहरा तुहाडे तक पहुँचना सी, तां इह मरिया नहीं बेचारा। तो फिर उन्हें किसी ने उन्हूं दस्या जां किवें उन्हूं पता लग्या, वो साडे इत्थे सुपनिआं दे घर उन्होंने पता सी असी इदा पेशेंट लैना नहीं, वो तो सीधा झूठ बोल के तो सातों दे नहीं सकता सी, असी वेरीफाई करना सी, वो साडे पिंड दे बाहर इन्हूं छप्पड़ दे कंडे सुट के भज गया। CCTV राहीं पता भी लग गया किहड़ी गड्डी आ, जदों इहदी वीडियो पाई इहदे पिंड तो ही फोन आ गए, भाई ये साडे पिंड सुखा सिंह दे घरे काम करदा, बहुत कुटदा सी, इहनूं बहुत काम कराउंदा सी, रोज़ ट्रांसफार्मर ते तार लाउण चाढ़दा सी, इहदा इक दिन करंट नाल तार नाल हथ लग गया ते इहदे पड़ाके पै गए। आ जिहड़ी मैं तुहानूं सारी गल दसी आ ये सानूं पिंड दे लोकां ने दसी, पर उन्होंने नाले भी कहा भी साडा नाम ना आवे विच, भी साडा नाम ना पता लगे किसे नूं। ये गल असी सारी पुलिस नूं भी दसी, गड्डी दा नंबर भी दिता, पर अड्रैस भी दिता, कुछ नहीं होया। साडी वीडियो शेयर कीती तुसीं सारयां ने, उहदे सदके दा परिवार बिहार तो साडी वीडियो देख के, इहदे आपका वीडियो किसने देखा था, हमारा वीडियो आपको किसने बताया था, इसके क्या बोलते थे मौसा ने ये वीडियो दिखाया किसी ने गांव में, गांव में फिर आपको नहीं, पहले बाहर में दिखाया, बाहर से वो भेजा वहाँ, वो बाहर में वो लड़का है अभी, वो घर भेजा है, फिर आपको पता चला, तब पता चला दूसरे के मोबाइल में देखा आप लोगों ने रख। देखो ये बच्चे ने मांगन का एक बेटा वा एक बेटी है निक्की जी, 8 साल 8.5 साल की वह होगी आ,
दस ग्यारह साल का एक होर आ बच्चा हजे घरे दा ते बंदा खुद अपाहज अज घरे वापस जा रहा इस हालत च इहदे जख्म असीं तुहानूं दिखा नहीं सकदे आ बांह अंदरले पासे हजे लाल पई आ हालांकि स्किन बहुत चर कवर हो गया पर असीं इन्हां दे परिवार नूं पिछले कई दिनों तो समझा रहे सीगे ये भी बचीरे डेढ़ महीना हो गया दुखी होए बैठे इत्थे सारा परिवार भी सानू कोई इंसाफ मिलूगा इंसाफ किने देना भरावो अखीर जदों मेरे कोल हथ जोड़ के खड़ जांदा मैनूं कहिंदा भी क्या बन्ना सरदार जी इहदे बोले तो बिना ही ये जवाब सवाल मेरे मूहरे आ जांदा तां मैं इहनूं हथ जोड़ के कहिंदा वीरे कुछ नहीं बणिया फोन कर सकदे आ थाणे गल कर सकदे आ जिहड़े IUN लैके गए इहदे बयान उहदे नाल गल कीती ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਇਹ ਧੱਬਾ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ ਨੋਨੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ 3100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਭਰਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ ਲੀੜੇ बेटा हम ठीक नहीं कर पाए हमें इस बात का अफसोस है बाबा हम लोग आपको इंसाफ नहीं दिला पाए इसका भी अफसोस है बाबा हमें हमें दुख रहेगा इस बात का भी एक गरीब को हम इंसाफ नहीं दिला पाए चलो भगवान ऊपर वाला है मैं बाबा गुरु महाराज कोई बात नहीं वो इंसाफ करेंगे हाँ वही वो सबका इंसाफ करते हैं जो तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ है ना इंसाफ करते जो तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ ना बाबा जे इंसाफ इंसान नहीं कर पाएगा जे भगवान ही करेगा भगवान ही करेगा इतनी बड़ी सजा जो इसको मिली इतनी बड़ी सजा कोई कोर्ट नहीं उसको दे सकती कोई पुलिस नहीं दे सकती वो भगवान देगा सजा चलो बाबा क्या बोलूं मैं तो हौसले के लिए भी कुछ बोल नहीं सकता आपको भाई यहाँ मेरे तुम्हारे रोना नहीं है बेचारी 1.5-2 महीने तो इतने बैठी है आपके भरा दे रखड़ी अपाहज भरा दे रखड़ी बनी ने साडे नाल इतने सेवा करा रही है संभाल करा रही है मां दोनों बेचारियां इस उम्मीद नाल इहनू ऐ सी मेरा भरा उठ के खड़ा हो इहनू ऐ सी मेरा सुहाग उठ के खड़ा हो जाऊ आपको बस हम इतनी बात बोलते हैं आपके बच्चों के लिए ना हम जो भी कर पाएंगे हम पूरा कोशिश करेंगे ठीक है सबको बस आप सेवा करना कर एक 2 महीने बाद जन्म होया इस बच्ची का जो एक घरों पंजाब आ गया थी ते आप बच्चे ने तो आपका बाप निके होंदे ने जो साल खंड का उदो ही देखा से की कहिए बस तुहानू ही बेनती है अरदास ही कर दियो बस भी मंगन का परिवार मंगन की सेवा कर सके उ जाके ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਬਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਕਾ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨੋਨੇ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ
किस हौसले नाल बाप लेके चलिया कि दसन की नहीं समझण की गल है बस, तो किस तरह साडा सिस्टम काम कर रहा ये देखण की गल है। खालसा। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जी ये आप एक पेशेंट लेके आए सी मनुखता की सेवा तो मंगी। हाँ मंगी, ठीक है? ठीक ठाक पहुंच गया पिंड? दिक्कत नहीं कोई रस्ते च? चलो ये परिवार जी इन्हों का, इन्हे नाल बाबूजी खड़े ने, इन्हे फादर साहब, मदर खड़े ने उन्होंने मंगी दे, बाकी नाल परिवार है, तीन बच्चे ने, सिस्टर है, पिछे ओरी घर की खड़ी है जी। ठीक है जी। सो आ घर के हालात ने जी, इन्हों के देख लो तुसी, आ कमरा इन्हों का बनया हुआ छपरा का, तुसी आ जाओ, एक बताओ जी, एक अंदर आ जी। ये कमरा जी मंगी इन्हों का, देखो तुसी किवें सारी आ बस्ती जी एक बनी हुई है, जीते आ काने जे घर बनाए हुए ने, उत्ते लोहे दियां छपरां पा के ये कमरा बनया हुआ जी। आ देख लो ये मंगी का रहन बसेरा जी, इत्थे महाराज ने दिता हुआ है ना जी। भाई यही रहने का जगह है आपका? हाँ, रहन बसेरा जी इन्हों का, अंदरों तुम देख सकते हो सारा। ठीक है जी। ठीक है सर। जो असी लेके आए सीगे कल पेशेंट नू, ते असी ठीक सलामत सही सलामत इत्थे इन्हां नू जा दिता आ। हेलो, देखना बेटा ये पेशेंट है जी अपना। सो जिनी हो सके वध तों वध तुसी इन्हां दी सेवा कर सकदे जी, घर बार तुसी आ देख लिया जी। ठीक है जी। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।